नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आपका स्वागत है सिम टॉक्स पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया सा चॉपर। आज इस चॉपर का रिव्यू करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये आप ही के सामने अनबॉक्सिंग की जा रही है इस चॉपर की। इसका ब्रांड नेम है गणेश और ये मुझे मिला है 60% ऑफ पर, अमेज़ोन से ख़रीदा है मैंने। इसकी ये पड़ा है मुझे 249 का 60% ऑफ पे। तो इसकी अब हमने कर लिया है, इसको ओपन कर लिया है, पैकिंग खोल दी गई है इसकी। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको चला करके कि कैसा चलेगा। बढ़िया सी इन्होंने पैकिंग दी है, बहुत बढ़िया करके। देखिए, पैकिंग के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोडक्ट था जो मैंने बड़ा महंगा ख़रीदा था और उसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन इस कदर जो है, जो ये लोग आते हैं हमें देने के लिए बॉयज़, तो वो ऐसे फेंक देते हैं, इतना ऊट पटांग फेंकते हैं चीज़ों को ना, वो टूट जाती हैं। और हम बड़े दिल से उनको मंगवाते हैं तो पैकिंग भी मायने रखती है। ऐसी बात नहीं कि पैकिंग मायने नहीं रखती और बाद में वो मेरा रिप्लेस भी नहीं हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो ये है चॉपर, ये बाहर से इसका बॉक्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का इन्होंने दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको ये जो वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ तो ये मैंने पहले से जो है ना बना लिया है और मैं इसका जो है वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने और भी काफ़ी सारे चॉपर्स आपको दिखाए हैं, तो अभी तक के सारे चॉपर्स में जो बेस्ट चॉपर रहा है वो था बटरफ्लाई का, जो हमें बहुत पसंद आया ईमानदारी से। बट ये चॉपर भी ठीक हैं और अच्छे हैं, ख़राब कुछ नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं आपको जो है इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये गणेश का चॉपर है और ये भी ठीक है, अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं बता रही, लेकिन वो बहुत 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 अच्छा है। मतलब एक मतलब लगता है कि हम ना चॉपिंग कर रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। तो इसके अंदर है 3 ब्लेड और एक ये नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है सपोर्टर। इससे क्या होता है कि जैसे आपका प्याज लहसुन या टमाटर जो साइडों में फंस जाता है वो इससे आराम से निकलता रहता है और ऊपर ये जो ब्लेड हैं ये अपना वर्क करते रहते हैं और ये खटाखट काटते रहते हैं आपके प्याज को, लहसुन को, अदरक को और टमाटर को, जो भी आपका वेजिटेबल्स होते हैं, गोभी, गाजर, जो भी। तो ये मैं आपको और एक ठीक से दिखा देती हूँ और अच्छे से। बहुत शार्प ब्लेड्स हैं, बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर इन्होंने 3 पेंच दिए हुए हैं। अगर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है तो खोलकर आप खुद से ठीक कर सकें, रिपेयर कर सकें। अब मुझे ये नहीं पता कि रिपेयर होता कैसे, बट इन्होंने ये दिया है तो ऑप्शन में इतना बाहर से विजिबल हो रहा तो खोलने के लिए ही दिया होगा, वरना इनविजिबल होती हैं सारी चीज़ें। तो और ये है इसका पॉट भी ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए, बहुत सॉलिड नहीं कहती। जो जैसे ये बटरफ्लाई वाले की मैंने आपके सामने तारीफ की है तो उसका जो पॉट था वो भी काफ़ी हैवी था और सेम प्राइस इसमें है। तो ये जो है इतना सॉलिड नहीं है। पीछे इन्होंने रबड़ दी है ग्रिप के लिए कि आपका ये जो पॉट है ये इधर उधर स्लिप नहीं होगा, ग्रिप बनी रहेगी अच्छे से, तो ये स्लिप नहीं होगा। तो ये रबड़ दिए इन्होंने, ये देखिए इस तरह से आप रखेंगे और ये स्लिप नहीं हो रहा है जब तक आप पूरे अच्छे तरीके इसको नहीं खींचेंगे पकड़ के। अब हमने इसके अंदर लगा दिया ब्लेड, अच्छे से फ्रीली ये जो है इसके अंदर मूव कर रहा है। 3 ब्लेड इसके मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब हम इसके साथ में वर्क करके दिखाएंगे। ये बहुत बढ़िया इन्होंने जो नीचे की साइड में जो एक इन्होंने वाइपर टाइप का दिया ना, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ दिया है। बीच में चमची लेके ना घुमाना नहीं पड़ेगा बार बार के भी फंस गया या अटक गया, या खुद ही अपना आप कर लेगा। मैं इसके अंदर डायरेक्ट जो है अनियन ऐड कर रही हूँ, थोड़े छोटे स्लाइस कर रही हूँ। मैंने पहले ना कई बार गलतियाँ की कि मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे स्लाइस डाल दिए थे चॉपर के अंदर, जब उससे ना चॉप पर जो है चॉप हो गया था, मतलब फ्रीज हो जाता है वो, बड़े बड़े स्लाइस जो ना उसमें अटक जाते हैं तो वो ठीक से मूव नहीं कर पाता, अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता और हमारे माइंड में एक इमेज यह बन जाती है कि चॉपर ठीक नहीं है, चॉपर काम नहीं कर रहा। यार ये भी अटक रहा है, अटक रहा है कोई बात नहीं, हालांकि स्लाइस तो मैंने छोटे छोटे डाले, थोड़े एफर्ट्स लगाएंगे, धीरे 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 से ये हो रहा है। ये देखिए ये अपना काम कर रहा है और करने लगा, एकदम से नहीं होता है, हो गया था, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी जो है बीच में जो है जैम हो जाएगा। अच्छे से अनियन चॉप हो गई है और मैंने मुश्किल से 3 या 4 बार इसको जो है आपके सामने जो है पुश किया है, खींचा है और
ये चॉप हो गई, जिसको कहते हैं चॉप होना। और आपको महीन करनी और इसको जो है आपने बारीक करना, तो और आप इसको जो है दो चार बारी और खींचेंगे, पुल करेंगे, तो ये और बारीक हो जाएगी। मेरे लिए इतनी काफ़ी होती है। तो ये हो गई, मेरे हिसाब से तो ये पास हो चुका है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।